दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्बो सी प्लस प्लस, और ये मैं सी पे प्रोग्रामिंग किया हूँ जो कि स्वैपिंग की प्रोग्रामिंग है। मैं आपको आज बताऊंगा कि येलो कलर की जो ब्लिंक होती है कभी कभी, वो क्या है और हम कैसे इसे हटा सकते हैं। तो आप जहाँ जैसे कि देख सकते हो, अभी मेरी कर्सर गेट सी एच के पास है, सबसे नीचे वाली लाइन गेट सी एच के पास कर्सर है। तो ये कर्सर पे अभी हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब येलो कलर की ब्लिंक आ जाती है, जैसे देखो अब आ गई हमारी, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम एडिट करना चाहते हैं, सपोज मैं गेट सी एच की जगह अगर मैं लिखना चाहता हूँ, सपोज मैं मान लो कि यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, इस लाइन में आप देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं इसे चेंज करके लिखना चाहूँ वैल्यू ऑफ वाई, तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ वाई इज, यहाँ पे देखो ये जो मेरी हो रही है, आगे की जितनी भी हमारी वर्ड्स है वो चेंज हो जा रही है ऑटोमेटिक, हम सही से एडिट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की ब्लिंक है। इस वापस हमें लिखना पड़ेगा परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की ब्लिंक हो रही है, हम कुछ भी अभी एडिट आज सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपके कीबोर्ड पे इंसर्ट की एक की होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, इंसर्ट एक की होगी, आप उसे सिंपली एक बार प्रेस कर दो। ये देखो मैंने प्रेस किया तो अब ये सही हो गई, ठीक है, अब हम इसे एडिट कर सकते हैं आसानी से। वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंट डी, मैं इसे रन करा के भी दिखा देता हूँ आपको। वैल्यू ऑफ एन एक्स आई 2 3,